हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जी कृष्णा टारगेट विथ हालो के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। और आप लोग जान रहे हैं कि जो आप लोगों ने आगाज किया है उसी जज्बे के साथ, उसी जुनून के साथ एलटी के लिए, उसी में मैं भी अपनी भावी अहम भूमिका को लेके आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। और हम आते हैं बेटा एक टॉपिक को उठाते हैं, और मैं ये देखना चाहता हूँ और यह दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह के एलटी में क्वेश्चंस पुट अप होंगे और किस आधार पर आप क्या करेंगे, अपनी योजना बनाएंगे और बड़ी बेबाकी की तरह उन बारीकियों को आप समझेंगे और आयोग के उस सोच तक पहुँचने का प्रयास करेंगे जिस सोच के लिए आयोग जाना जाता है। बार बार मैं कहा हूं कि जो और एग्जाम्स हैं वह कहीं ना कहीं आयोग को अपना मानदंड बनाते हैं, और आयोग खुद एक मापदंड है, स्वयं का मानदंड है, उससे नीचे वह होगा ही नहीं। और जो पीसीएस नहीं हो पाते हैं बेटा, अगर वे इन मार्गों के द्वारा अगर आयोग में अगर पहुंचने की अगर कोशिश करते हैं तो पीसीएस न होते हुए भी वह पीसीएस की सुखानुभूति रखते हैं। इन्हीं संदर्भों के साथ मैं दिल्ली सल्तनत पे आऊंगा बेटा, मैं दिल्ली सल्तनत पे आऊंगा। और दिल्ली सल्तनत में मैं खिलजी क्रांति को उठाऊंगा, खिलजी क्रांति को उठाऊंगा। आप खिलजी क्रांति देख रहे हो बेटा, यह क्रांति रिवॉल्यूशन है। और रिवॉल्यूशन क्या हो जाता है? आमूल चूल परिवर्तन है। जैसे कहा जाता है बेटा कि आप संघर्ष कर रहे हो। जैसे आपने आयोग का एग्जाम दिया और आप पास नहीं हो पाते हो। अगर पास हो जाते हो तो सीधे गरीबी से आप अमीरी में निकल जाते हो। और अगर आप दोबारा अगर फिर इधर लौटते हो और फिर उसी गरीबी में रहते हो तो यही आपका स्ट्रगल है बेटा। और अगर आप इस गरीबी को उखाड़ के फेंक देते हैं, इस अमीरी की तरफ अगर आ जाते हैं, तो यही आप लोगों के पास क्या हो जाता है बेटा, आपके पास यही आमूलचूल परिवर्तन है। थोड़ी सी बात आप लोग देखेंगे, आप महमूद गजनवी को देखते हो और यह महमूद गजनवी 1000 ईस्वी से लगभग 1025 तक यह आक्रमण करने का वादा करता है कि हम हर वर्ष आक्रमण करेंगे, लेकिन 1030 में इसकी स्वयं की जब मृत्यु हो जाएगी तो आप देखते हो कि 1175-78 में, 1191-92 में एक दूसरा आता है जिसको कहा जाता है मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। तो यह इसका एक उद्देश्य था कि हम गजनी को बनाएंगे, लेकिन इसका एक उद्देश्य था कि हम भारत को लूटेंगे और गजनी को बनाएंगे, लेकिन इसका एक मुख्य उद्देश्य था कि हम गोर प्रदेश लौट के नहीं जाएंगे, हम हिंदुस्तान में ही ये क्या करेंगे, एक साम्राज्यवादी सोच के साथ यहीं पे स्थिर होंगे, यहीं पे अस्थायित्व लाएंगे। यह थी मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी की बारे में। लेकिन एक बात याद रखना बेटा,
आप जब इस भारत को देखते हैं, जब इस आप लोग भारत को देखते हैं, तो भारत में यहीं पर अफगानिस्तान है और यहीं पर पंजशीर भी है बेटा, पंजशीर भी है और यहीं पर बोलन दर्रे और खैबर दर्रे हैं बेटा, यहीं पर बोलन दर्रे और खैबर दर्रे हैं। इन्हीं पहाड़ियों के माध्यम से आप किधर घुसते हो, भारत में। तो ये भारत में घुसने के लिए यह दो नेचुरल पास हैं। जब तक आप यहां तक अगर अपना साम्राज्य नहीं अगर खड़े करते हैं, अगर आप हर समय भारत में आप यहां पर हैं, तो यह पास से हर समय आतंकवादी होंगे। अगर यहां पे अगर आप हैं, तो आप विदेशियों को भारत में आने से क्या करेंगे, उस नेचुरल दरवाजे को बंद कर देते हैं। यह आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यही कारण है कि भारत आज क्या है, कश्मीर की जो राजनीति वह अस्थिर बनी रहती। हम कब तक सेनाओं को खड़ा किए रहेंगे, यहां पे अफगानिस्तान है तो यहां पे पाकिस्तान है। यही थी चंद्रगुप्त मौर्य की और आपके कि हम मगध से क्या करेंगे, हम यहां पर शासन सत्ता को स्थापित करेंगे। और जब यूनानियों का प्रभाव है, जब बेटा यूनानियों का प्रभाव, तो आप देख रहे हैं कि जब हेलेना से विवाह होता है, सेलुकस पराजित होता है, चंद्रगुप्त मौर्य से हेलेना की जब विवाह होता है, तो चार प्रांत दहेज में मिलता है। और थोड़ा सा देखो कि वह दहेज भी क्या है, राजनीतिक है, और उन पर प्रभाव किसका है, कभी ईरान पर, कभी सीरिया पर, कभी इराक पर, कभी बैक्ट्रिया पर, यह पूरा समूचा उसका क्या था, साम्राज्य था। लेकिन सिकंदर में एक गड़बड़ी क्या थी कि वह जीतता हुआ आगे बढ़ता था और पीछे क्या हो जाते थे, दुश्मन खड़े होते रहते थे, अस्थायित्व तो नहीं आया उसके साम्राज्य में। यही बात अलाउद्दीन खिलजी का, दिल्ली का कोतवाल मुगुसुद्दीन समझाता है अलाउद्दीन खिलजी को कि यह बेटा तुम मत करना। और यहीं पर आप देखते हैं कि जैसे पेरिपेंसिडियाई है जिसको आप काबुल कहते हैं, आराकोशिया एरिया जिसे आप कांधार कहते हैं, एरिया जिसे आप हेरात कहते हैं, जेड्रोसिया जिसे आप बलूचिस्तान कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यह चार चार राज्यों को किस आधार पर यह स्टेबल करना चाहता है, ये सोच होती है। अब आप लोगों से यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका क्या कंडीशंस थी उन राज्यों की, तो एक तरफ पुराना नाम दे देगा, एक तरफ आधुनिक नाम देगा, वही से यह बात करेगा। और यही है हमारा भारत का इतिहास। और हम लोग देखते हैं मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी से, तो यही आपका जो ट्रांसआक्सियाना है बेटा, जो आपका कैस्पियन सागर से लेके यूराल पर्वत से लेके आपका सीरिया, आपका अफगानिस्तान, आपकी जो मध्य एशिया है, जो दजला और फरात है, इन सारे प्रदेशों को आप ट्रांसआक्सियाना कहते हैं। इसी ट्रांसआक्सियाना में गोर प्रदेश था। और आप जो देख रहे हैं पंजशीर की पहाड़ियां देख रहे हैं बेटा, तो जो पहाड़ियां हैं इन्हीं के नीचे घाटियां हैं। और आप देखते हैं जो पहाड़ियों की कंडीशंस होती है बेटा, तो ये पहाड़ियां एक समय पर यह कट कट के बरसाती के माध्यम से क्या हो जाती हैं, कटती हैं और यहां पर भरती हैं। और यह जब भरती हैं तो आप जानते हैं कि यह निक्षेप है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। और यह घाटियां जो होती हैं, यह बड़े बड़े मैदान का रूप धारण कर लेते हैं, इनमें कृषि होती है। तो अब आप देख रहे हैं गोर प्रदेश जो है, गोर प्रदेश में आपको मैदान भी होगा। जब मैदान होगा तो यहां पे चरागाह भी होंगे,
मैदान और चरागाह होंगे तो यहां कृषि भी होगी, कृषि होगा तो पशुपालन भी होगा, और पशुपालन होने के साथ साथ यहां पर बेटा लोहा मिलेंगे, लोहा मिलेंगे। तो कृषि होगी, अन्न होगा, जानवर हैं तो वह मांस और दूध के लिए सबसे उपयोगी होंगे, और जब तलवारें हैं और घोड़ा इनका सबसे महत्वपूर्ण हथियार है, और दिल्ली सल्तनत की यही रफ्तार जीत का कारण बनती थी, तो क्या नहीं है किसी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए? यही तो चाहिए, यही कभी आपके राजगृह में, मगध में भी यह सोन और गंगा नदी के तट पर जो आपका राजगृह है वह पहाड़ी, पहाड़ियों से वह क्या है, सुरक्षा प्रदान करता है। यहां पर भी पहाड़ियां हैं जो सुरक्षा के लिए अपना सर खड़ा किए हैं, जो मैदानी भाग है वह आपको अन्न दे रहे हैं, बड़े बड़े चारागाह है आपको भारवाहक से लेके जो धावक के रूप में आपके घोड़े हैं उनका भरण पोषण कर रहे हैं। तो क्या नहीं है साम्राज्य विस्तार करने के लिए? तो ये चीजें आप लोग देखते हैं बेटा, तो आप देखेंगे कि किस तरह कंडीशंस बन रही है। और ये लोग अपनी सेनाओं को, और उस समय आप देख रहे हैं कि अभी इस्लाम उगा है, और जब कोई नया नया धर्म, नए नए विचार आते हैं तो वह प्रेरित भी करते हैं। कभी मार्क्स भी इसी के लिए जाना जाता था, मार्क्स आया तो लोग सब मार्क्सवादी होने लगे। भारत में भी मार्क्स और वाम सोच सामने आई, लेकिन भारत की जो कम्युनिज्म व्यवस्थाएं हैं वह उस लोगों की व्यवस्था से, आप रूस में देख रहे हैं लेनिन आया, स्टालिन आया, आप देख रहे हैं चाइना में उन्ही व्यवस्थाओं को लेके माओत्सो तुंग आया। सत्तावाद से नहीं, सत्ता बंदूक के नोक से निकलती, नाल से निकलती है। तो बंदूक की नाल से जहां पर शक्ति या सत्ता निकलती हो, आप सोच सकते हो क्या कोई सर उठाने की कोशिश करेगा? तो ये चीजें आप लोग देखेंगे बेटा कि मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गोरी अपने सिपहशालारों के साथ जो जिसकी वह संतान नहीं थे बल्कि गुलाम थे। और आप देखेंगे बेटा 1191 में हार होती है, 1192 में आप देखते हैं मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गोरी तराइन का द्वितीय युद्ध जीतता है, 1194 में चंदावर का युद्ध जीतता है जिसमें गढ़वाल शासक जयचंद की करारी हार होती है। और यहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठता है और लाहौर से भारत को डील करता है, लेकिन हिम्मत अभी भी नहीं है कि यह दिल्ली की सत्ता पर बैठ के नियंत्रण करे। लेकिन आप देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आपके इल्तुतमिश आते हैं और इल्तुतमिश ने एक काम कर दिया कि जो आपके मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गोरी थे इन्हीं के कुछ और भी सिपहसालार थे, जैसे एल्दौज है जैसे आपके कुबाचा है, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी है और नालंदा और वहां की जो और भी बौद्ध बिहार हैं इनको तबाही का यही कारण बनता है। सीधे चीन पर इसने आक्रमण कर दिया, बिहार का जो लक्ष्मण सेन का जो बंगाल परिक्षेत्र है जिसे आप लखनौती कहते हैं, लखबिनिया भी कहते हैं, इन सबको तबाह कर दिया और नदिया को राजधानी बना रहा है।
बाद में अली मर्दान ने बंगाल में इसका कत्ल कर दिया। तो उस समय आप देख रहे हैं कुतुबुद्दीन जो गयास बेग से, जो मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी का भाई है, उससे अपनी स्वतंत्रता का प्रमाण प्राप्त करता है, मानपत्र प्राप्त करता है, जिसे खुतबा कहा जाता था। और इसके बाद इल्तुतमिश दिल्ली पर बैठता है इसकी मृत्यु के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। और आप 36 तक देखते हैं, 1236 तक इन लोगों का शासन चलता है। और इल्तुतमिश की भी किस तरह मृत्यु होती है, इसके बाद रजिया जैसे लोगों का कत्ल होता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद रजिया गद्दी पर बैठती है, बहराम शाह बैठता है, मसूद शाह बैठता है, मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठता है। दिल्ली सल्तनत का संत कहा जाता है। लेकिन इल्तुतमिश ने के समय ही आप देखेंगे मंगोलों का प्रभाव आपके बॉर्डरों पे पड़ने लगता है। और बाद में यही मंगोल जब इस्लाम धर्म के करीब आएंगे तो कहा जाता है कि इस्लाम कट्टर था। तो जब इस्लाम रूपी म्यान में जब खूनी तलवारें पहुंची जिनको मंगोलों ने संभाला, तो यह और भी कट्टर हो गया। तो यहां पे आप देखेंगे कि जब यह अपने नृशंस मूड में जब आते थे तो वही मंगोलिया का प्रभाव होता था, इस्लाम बहुत पीछे छूट जाता था। जो आप कभी शकों में देखते होंगे, कभी पहलाओं में देखते होंगे, कभी वह कुषाणों में देखते होंगे जो यूची के नाम से होते हैं, बाद में हूणों को आप लोग देखते हैं जहां पे स्कंदगुप्त ने इन हूणों को भारत से खदेड़ने के लिए कितनी मशक्कत करना पड़ा। एक तरफ 3-3 लाख की सेनाएं, एक तरफ 2-2 लाख की सेनाएं। तो ये चीजें आप लोग देखेंगे बेटा। और इल्तुतमिश के बाद आप देखते हैं इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी की स्थापना किया था कि भारत में हम किस तरह स्टेबल हों। अभी नया नया तुर्की साम्राज्य भारत में अभी खड़ा हो रहा था, अभी वह अंकुरित भी नहीं हुआ कि उसे समाप्त हो जाना पड़े। तो यह इल्तुतमिश को क्या था, यह बर्दाश्त नहीं था। बाद में आप देखते हैं कि तुर्कान चहलगानी जो 40 सरदारों का गुट है, इसी में बलबन है। और बलबन किंग मेकर की तरफ स्वयं अपने को किंग के गद्दी पर बैठना चाहता था। तो वह केवल राज निर्माता की भूमिका में नहीं था, वह सोचता था मैं खुद राजा बनूं। ऐसी महत्वाकांक्षा थी बलबन की। और बलबन ने ईरानी परंपरा को राज दरबार में नहीं अपने परिवार में लाया। लेकिन ईरानी परंपरा पर सबसे पहले शासन प्रशासन को लाने वाला कौन था, तो इल्तुतमिश था। इन बातों को आप बेटा समझोगे। और आप देखते हैं बलबन के बाद बोगरा आता है, नाम भी देखिए ईरानी परंपरा पे, कैकुबाद आता है, क्यूमर्स आता है, कैखुसरो आते हैं। और उधर मंगोलों के द्वारा बलबन का सबसे महत्वपूर्ण और योग्य बेटा शहजादा मोहम्मद मार दिया जाता है। तो यह गुलामी परंपरा थी, यह गुलामों का एक चैनल चला रहा था, इसको जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स के रूप में समाप्त कर दिया। क्यूमर्स जो 3-3.5 महीना का था और 70 साल का बूढ़ा क्या हो गया, बलबन के उस लाल किले में अपना राज्याभिषेक करवाया। और आप देखते हो बेटा कि 1290 से आप देखते हो 96 में जलालुद्दीन खिलजी को। और जलालुद्दीन खिलजी के ही समय आप देखते हैं 1295 में इसने देवगिरी पर आक्रमण कर दिया बेटा। देवगिरी जो देवों की पहाड़ी के नाम से जाना जाता था, देवों की पहाड़ी के नाम से, इसी देवगिरी को कुतुबाबाद के भी नाम से जाना जाएगा, कुतुबाबाद के नाम से जाना जाएगा। यही कुतुबाबाद के बाद इसको दौलताबाद का नाम दिया जाएगा। तो जिस तरह आक्रमणकारियों का प्रभाव बढ़ता जाएगा, वह देवों की जो पहाड़ी थी वह भी अपना रूप बदलने लगी।
तो ये चीजें आप लोग देखेंगे 1295 में, और देवगिरी के लूट ने क्या कर दिया, इसकी महत्वाकांक्षा को पर लगा दिया, महत्वाकांक्षा को पर लगा दिया। और ऐसा यह पर लगा कि यह दूसरों के परों को काटना शुरू कर दिया, और 1296 में इसने कड़ा में, जो आपके प्रयागराज, यहां से जहां से मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, यहां से मात्र 30-32 किलोमीटर पे गंगा के तट पर आपका कड़ा है, और बाजरा से, बाजरा होता है बेटा बड़े बड़े बांस और लठ होते हैं, इसी पर वह बैठ के बूढ़ा व्यक्ति अलमास बाग बेग के षड्यंत्रों के माध्यम से वह अपने मौत के बहुत करीब पहुंच रहा था। बर्नी कहता है कि उसकी मौत ने उसकी चूलों को पकड़ के उस मौत के करीब ले गया जहां के लिए वह कभी सोचा ही नहीं था। और कहा जाता है कि इख्तियारुद्दीन हुद नाम का एक व्यक्ति था, अलाउद्दीन खिलजी के इशारे पर उसने क्या कर दिया, उस बूढ़े व्यक्ति को गिरा दिया और उसकी गर्दन से उसके सर को अलग कर दिया। कहा जाता है कि अभी उसके मस्तक से खून की बूंदें टपक रही थी कि शाही चदोबा उसके सर पे रख दिया गया, भाले की नोक पर उस बूढ़े के सिर को क्या कर दिया पूरा, कि याद रखना जो अपने ससुर और चाचा का ऐसा कत्ल कर सकता है वह और लोगों की व्यवस्था क्या कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, वहां पे चंगेज खां का बेटा कुबलई खां, उसका पोता हलाकू, हलाकू का ही बेटा एक उलगू खां था, लगभग 4000 लोग मंगोलों को इसी समय जलालुद्दीन खिलजी के समय बंदी बना लेते हैं, यही भारत में नवीन मुसलमान कहलाते हैं। तो नवीन मुसलमान भी भारत में आए हैं जलालुद्दीन खिलजी के समय, लेकिन यही नहीं, नवीन मुसलमानों का विद्रोह हो जाएगा बेटा अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो ये चीजें, और यहीं पर सीधी मौला और हाजी मौला की बात होती है, सीधी मौला जलालुद्दीन खिलजी के समय होगा और हाजी मौला का विद्रोह होगा आपके अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो इन चीजों को बड़े बेहतरीन तरीके से आप क्या करेंगे, अपने दिल में रख के क्या करेंगे, आप अपने एग्जाम के लिए कमर कस लीजिएगा, इसी भांति आपके क्वेश्चंस आएंगे, इसी पैटर्न पे आएंगे, वह कहानियों को जोड़ेगा, उन घटनाओं के तारतम्यों को जोड़ेगा, और गलती कम से कम करिएगा बेटा। जो जितना एलटी में कमी करेगा गलतियों में, वह अपनी सफलता के बहुत करीब होगा, और जो जितना अधिक गलती करेगा सफलता उससे बहुत दूर जाती रहेगी, क्योंकि जो आपने किया है गलती करने पर उसमें भी, लेकिन कहा जाएगा कि क्या सर वहां पे इस तरह के क्रिटिकल क्वेश्चंस अगर आते हैं तो अगर हम डरे रहेंगे तो अचीव कैसे करेंगे उन क्वेश्चनों को। तो जो मेरे लेक्चर्स होंगे, जो मैं आपको जो ज्ञान दिया रहूंगा, या कहीं ना कहीं वहां पे आपको उसमें से बाहर करेंगे, और भी हम लोग बहुत सारी बातों पे बात करेंगे कि आप वहां पे कम से कम कैसे गलती करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपनी सफलता के शिखर पर कैसे पहुंचेंगे, यह चीजें आप लोगों को जरूर बताया जाएगा कि इस चक्रव्यूह से निकलने का क्या केवल अंदर जाने का मार्ग है, कि उस चक्रव्यूह से निकलने का मार्ग है कि अभिमन्यु की तरह जीत कर भी कुर्बानी दे देना और विश्व को एक नई सिख दे देना, यह नहीं है। देखो हम लोग अवतारी पुरुष नहीं है, हम लोग सामान्य हैं, और हम चाहते हैं मेहनत करें और हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को गेन करें, यह चीज आपको यहां पे मिलेगी, भरोसा रखिए। और आप देखते हैं कि 1295 में के बाद आप देखते हैं यह गुजरात पर अटैक करेगा, गुजरात पर अटैक करेगा।
और गुजरात पर यह अटैक कब करता है बेटा, 1299 में। तो 1295 में पैसा आ चुका था साम्राज्य खड़ा करने के लिए, और आप देखते हैं 1299 में गुजरात पर वह अटैक कर चुका है, और गुजरात का शासक कौन है, राय कर्ण है, कर्णदेव भी कहा जाता है, और इसी की बेटी कमल, इसी की पत्नी है कमला देवी, इसी की बेटी है कमला देवी की देवल देवी, जो कभी देवगिरी पहुंचेगी, और देवगिरी के बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी के घर आएगी, और कभी अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी की बेटी ही बहू बनेगी। ये भी इतिहास में एक अद्भुत चीजें हैं। और आप देखते हैं रणथंभौर पर भी यह युद्ध करेगा, जिस रणथंभौर पे जलालुद्दीन केवल डर गया था और कहा कि इस रणथंभौर से बढ़ के मुसलमानों के क्या हैं, एक एक रोम है। आज वही अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर की विजय करेगा, चित्तौड़ पर यह अटैक करेगा, तो वह रणथंभौर पर यह अटैक करता है बेटा 1300 में, चित्तौड़ पर वह अटैक करता है तो 1303 में, और मालवा पर वह अटैक करता है बेटा, वह मालवा पर अटैक करता है और वह 1305 में। इसे अगर एक फार्मूला के तहत अगर याद करना चाहेंगे तो गुजरातम हो चुका होगा, और यही क्रम है बेटा, 1299 के बाद 1300, 1300 के बाद चित्तौड़ में 1303, और 1, 2, 3, 4 अगर 5 कर दोगे तो यह 1305। यह उत्तर भारत की यह लड़ाई लड़ता है, लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए, और आप देखेंगे यह दक्षिण भारत पर भी अभियान करेगा, यह दक्षिण भारत पर भी अभियान करेगा, और यह दक्षिण भारत पर अभियान का एक क्रम होगा बेटा, और आप देखेंगे वह 1303 में तेलंगाना पर अटैक करता है, 1307 में आप देखते हैं देवगिरी पर अटैक करता है, और यहीं पर वह क्या करेगा, देवगिरी के जो रामचंद्र यादव हैं, यह अपनी बेटी झत्यपाली का विवाह आपके अलाउद्दीन खिलजी से करेंगे, और 1309 में आप देखते हैं बेटा फिर तेलंगाना पर यह अटैक करता है, और तेलंगाना का शासक कौन है, प्रताप रुद्रदेव। और आप एक और चीज देखेंगे, यही जो आपका तेलंगाना है, जो आपका आंध्र प्रदेश में है, यहीं पे गोलकुंडा की पहाड़ी है, इसी गोलकुंडा पहाड़ी से कोहिनूर हीरा मिलेगा, और यह कोहिनूर हीरा की कहानी यहीं से शुरू होगी, जो कभी राजा रणजीत सिंह के पास पहुंचेगी, कभी यह हुमायूं के पास पहुंचेगी, कभी यह एलिजाबेथ रानी के पास पहुंचेगी, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, यह जहां जहां गया है पतन ही किया है। देखो तेलंगाना को बर्बाद करेगा, अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचेगा, इनको भी सारे सत्यानाश करेगा, अलाउद्दीन खिलजी के बाद यह तुगलकों में पहुंचेगा, तुगलकों का भी कुछ नहीं छोड़ेगा, शाहजहां इसे मयूरासन में लगाएगा, जब वह मयूरासन में लगता है तो वह कहीं ना कहीं पहुंचता है जेल में, औरंगजेब का भी कुछ नहीं छोड़ता है, यहीं से यह नादिर शाह 1339 में लेके मयूरासन ही उठा के लेके चला जाता है, अंग्रेज इसको उठा के लेके चले गए कहां पे, लंदन में, लंदन का भी आप समझे रहे हैं, आज भारत क्या है इकोनॉमिक्स में, उसको भी पिछाड़ के आगे बढ़ा। तो यह जहां जहां पर भी बेटा पहुंचा, यह नीले आकार का है, यह नीलम मणि है जिसकी कीमत अद्भुत है, जिसे ज्योति का प्रकाश या ज्योति स्तंभ भी कहा जाता है, खैर कोई बात नहीं। तो अब आप देख रहे हैं तेलंगाना के बाद आप देखते हैं
1310 में यह होयसल पर अटैक करेगा और होयसल का शासक बल्लाल देव है, बल्लाल तृतीय है। तेलंगाना के आपके प्रताप रुद्रदेव हैं, प्रताप रुद्रदेव हैं, यह सेकंड है। और फिर प्रताप रुद्रदेव पैदा होगा जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक के समय होगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक का भी तेलंगाना पर अटैक होगा और तेलंगाना का भी नाम बदल के उस समय सुल्तानपुर रख दिया जाएगा। तो जो हिंदू व्यवस्थाएं हैं इनको तोड़ तोड़ के क्या किया जाएगा, इस्लामीकरण किया जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को क्या कर देता है, उसे सीधे तलवार के माध्यम से दिल्ली के साथ, दिल्ली का एक अहम राज्य घोषित कर देता है, दूसरी राजधानी बनाता है। लेकिन यहीं से उसका भी पतन शुरू हो गया, क्योंकि दक्षिण भारत की जो क्लाइमेट है, जो व्यवस्थाएं हैं, वहां की जो स्वतंत्र प्रियता है, वहीं का अगर कोई शासक हो तो वहां की व्यवस्थाएं चल सकती हैं, अन्यथा नहीं चल पाएंगे। और आप देखेंगे बेटा 1311 में पांड्य शासक हैं, पांड्यों से भी युद्ध होगा। तेलंगाना की बात अमीर खुसरो खजाइनुल फुतुह में करेगा, जियाउद्दीन बरनी बात करता है। और आप वहां पे औरंगजेब की बात देखते हैं, वह दक्कन का कहता है दक्कन मेरे लिए नासूर बना। दक्कन और मराठों के युद्ध में वह इस कदर फंस गया कि समाप्त हो गया। बहमनियों की स्थापना हो गई, सादा अमीरों ने बगावत का बिगुल बजाया मोहम्मद बिन तुगलक के समय, और यह दक्षिण भारत में पहुंचता है और कहता है कि बरनी मेरा राज्य बीमार हो गया है, मैं सर दर्द की इलाज करता हूं तो पेट दर्द बढ़ जाता है, पेट दर्द की इलाज करता हूं तो स्नायुओं में दर्द बढ़ जाता है। उसने कहा कि ऐसा है कि आप इसकी इलाज करना ही नहीं चाहते हैं। कहते हैं बरनी तू इसका इलाज बता, मैं करने के लिए तैयार हूं। उसने कहा कि जिस दिन मैं इसकी इलाज बता दूंगा, हो सकता है कि मेरी गर्दन सर से हल्की हो जाए। तब उसने कहा बता, तू मेरा नदीम है, तू मेरा जिंदा दिल दोस्त है, तू कह, तू अपने प्राण का भय त्याग दे। उसने कहा राज्य त्याग। इतना कहते हुए उसके हाथ उसकी तलवारों की मुठ पर पहुंच गए। लेकिन वह इतिहासकार था, वह सत्य बोलने से हिचकता नहीं था, और उसी सत्य में शायद तुर्क की सत्ता का क्या था, अस्थायित्व भी था। यह चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और यही मुगुसुद्दीन से पूछता है कि इतना बड़ा जो युद्ध यह करता है, इसके लिए पैसा चाहिए, इसके लिए गर्दन कटाने वाले युवक चाहिए, तब जाके भारत में तुर्की सत्ता क्या होगी, स्थापित होगी। इसी को सुदृढ़ करने के लिए, इतनी भयानक युद्धों को लड़ने के लिए उसके पास पैसे की जरूरत थी। और वह कहता था कि मैं देवगिरी, मैं होयसल या तेलंगाना या पांड्यों की लूट को अगर जनता में मैं बांट दूं, तब पर भी 5 साल से ऊपर यह वेतन नहीं चल पाएगा। तब इसने बाजार व्यवस्था बिठा लाया, बाजार व्यवस्था लाया। तो याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी बाजार व्यवस्था, सबसे महत्वपूर्ण बात है बाजार व्यवस्था। इसी को कहा जाता है क्रांति। कहां की सोच को इन खलजियों ने एक नया आवरण दे दिया। और आप देखते हैं उत्तर भारत, जो उत्तर भारत है और दक्षिण भारत, यहां के गुजरात से लेके आपके उड़ीसा तक, बंगाल बिहार तक, इन सबों का एक प्रभाव होगा।
इसीलिए इसको सिकंदर शानी कहा गया, सिकंदर शानी कहा गया, सिकंदर शानी कहा गया, माने सिकंदर द्वितीय कहा गया, सिकंदर द्वितीय कहा गया। और इस अलाउद्दीन खिलजी ने एक और काम कर दिया कि रणथंभौर के युद्ध में, रणथंभौर के युद्ध में, रणथंभौर के युद्ध में एक नए योद्धा को लाके खड़ा कर दिया जो कहता था मेरी तलवार और मंगोलों के सिर ही मेरा जीवन है, धनुष और बाण ही मेरा राजमुकुट है, मेरे राज सिंहासन है। यह कहने वाला गयास गाजी मलिक, गाजी मलिक। हम लोग तुगलक की बात करते हैं जो गयासुद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठेगा, गयासुद्दीन के नाम से, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से बैठेगा। तो अपने जाते जाते एक नए शासक को भी उसने लाके खड़ा कर दिया, जबकि तुर्क व्यवस्थाएं क्या थी, राजवंशों पर खड़ी होती थी, लेकिन जब निर्बल, निरंकुश, निकम्मे शहजादे जब पैदा होंगे तो जहां पे हर बात तलवार की धार पर अपना रूप बदल रही हो, आप सोच सकते हैं कि क्या यह राजवंश उसको सुदृढ़ कर पाएगा। तो जिनकी कलाइयों में चूड़ियां नहीं, जिनकी कलाइयों में दम होगा, जिनकी तलवारों में दम होगा, शासन वही करेगा, सत्ता वही करेगा। निर्बलों को इस तरह काट दिया जाएगा जैसे गाजर और मूली की तरह। यह चीज देखने को मिलती है गियासुद्दीन तुगलक। और गियासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है कि इसके राजमुकुट में सौ सौ ब्राह्मणों के, सौ सौ बुद्धिमानों के शिरोवस्त्र रखे गए थे, और उस शिरोवस्त्र ने क्या कर दिया, इसे और भी नया रूप दिया। तो अब आप देखना बेटा कि यह चीजें आप देखेंगे कि यह तो अपने परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन आगे भी परिवर्तन का क्या कर दिया है, रास्ता क्लियर कर दिया है। और आप देखते हैं कि सर्वाधिक अगर मंगोल आक्रमण हुए हैं तो वह अलाउद्दीन खिलजी के समय, सर्वाधिक सुसंगठित अगर विद्रोह हुए हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक, अगर भारत के लोग अगर मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह नहीं करते बेटा, तो सोचो जो इराक को, जो ईरान को 1 करोड़ टंका वहां के गरीबों में बांटने को दे रहा है, चीन से दूत मंडल आ रहे हैं, ईरान से दूत मंडल आ रहे हैं, इराक से दूत मंडल आ रहे हैं, भारत की जो तुर्की सत्ता थी एक मैदान से निकली और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंच गया, यह मामूली बड़ी बात नहीं है, मामूली कलेजे की बात नहीं थी। माना कि वह आक्रमणकारी थे, लेकिन उनकी सोच निराली थी, उनके घोड़ों में वह वेग था, उनकी तलवारों में वह धार थी, उनके धनुष बाण हल्के थे, उनकी नोकों में इतनी दम थी कि वह किसी की भी आंख फोड़ने के लिए तैयार थी, किसी भी हाथी के मस्तक को छलनी करने के लिए तैयार थी। लेकिन अंतर्द्वंद, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में क्या हो गया, दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे मुगलों के हाथ में चली गई। और यह तुर्की, यह मुगल, यह तुर्की और यह मंगोल रक्त ने क्या कर दिया, कभी बाबर को पैदा कर दिया। और बाबर के बाद एक नई व्यवस्थाएं आई और लगभग 300 वर्षों तक उन्होंने यहां पर शासन किया। लेकिन फिर वही कहानी, जब निर्बल आएंगे तो राजतंत्र खत्म होगा, और लोकतंत्र में जब परिवारवाद आएगा, वंशवाद आएगा, तो लोकतंत्र का नाश हो जाएगा। और जब लोकतंत्र का नाश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अराजकता आएगी। जब अराजकता आएगी तो या तो गणतंत्र आएगा तो या तो राजतंत्र आएगा। यह चीजें आप लोग देखते हैं कि बाजार व्यवस्था ने क्या कर दिया, बाजार व्यवस्था ने क्या कर दिया, वह चीज लाकर खड़ा कर दिया जिसकी सोच पर
जिसकी नींव पर वह एक अद्भुत साम्राज्य को वह खड़ा करना चाहता था। और उस बाजार व्यवस्था में आप देखेंगे कि बाजार व्यवस्था का उद्देश्य क्या था बेटा, बाजार व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, तो बाजार व्यवस्था का उद्देश्य बेटा था एक सैन्य व्यवस्था को लाना। और यह सैन्य व्यवस्था क्या हो जाएगी, और आप देखते हैं कि अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना करने वाला, सैन्य विभाग की स्थापना करने वाला आपका बलबन है, लेकिन विशेष सेना की स्थापना करने वाला, अभी आप लोगों ने देखा होगा लेक्चरशिप में यही क्वेश्चन उठा लिया था कि विशेष सेना को लाने वाला कौन था, और यह विशेष सेना के चार खान इसके सिपहसालार बनते हैं, जिसका नाम है अलप खां, जिसे आप उलुक खां कहते हैं। जिसे आप जफर खां कहते हैं। और कहता है कि जिसके पास चार खान हैं, उसको किसी खलीफा की जरूरत नहीं है, माने अपने को स्वयं खलीफा के पास खड़ा कर दिया, और इसे भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का मैकियावेली भी कहा जाता है। क्यों? सबसे पहले इसने राजनीति से धर्म को बाहर किया। इसे दिल्ली सल्तनत का कौटिल्य कहा जाता है, भले यह कहा कि मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ा, मैं कोई रोजा नहीं रखता हूं, मैं कहीं नमाज पढ़ने नहीं जाता हूं, मैं किसी नमाज के समूह का हिस्सा नहीं हूं, फिर भी मैं अपने अनुभव की पाठशाला में पढ़ा हूं, तो यह धर्म को क्या कर दिया, राजनीति से बाहर किया। कहा राजनीति अलग है, राजसत्ता अलग है, यह धर्म मुल्ला मौलवियों की चीजें हैं, लेकिन राज्य को चलाना वे अलग सोच है। और राजनीति में अगर कुछ चीज अगर लाते हो धर्म से संबंधित, तो राज्य की व्यवस्थाएं गड़बड़ होंगी, जब राज्य की व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो संस्कृति गड़बड़ होगी। अभी हमने बात किया था कि संस्कृति का एक छोटा सा भाग है धर्म, न कि धर्म पूरी संस्कृति है। तो जब राज्य सुरक्षित होगा तो धर्म और संस्कृति अपने आप सुरक्षित होंगे, और हम क्या करने लगते हैं, धर्म को सुरक्षित करने लगते हैं। और धर्म क्या कर देता है, वह इतनी खतरनाक चीज है, इतनी संवेदनशील चीज है कि यह पूरे व्यवस्थाओं को ही बर्बाद कर देती है। इस बेहतरीन चीज को अलाउद्दीन खिलजी समझता था, और उसने इस व्यवस्था को लाने के लिए क्या कर दिया, बाजार व्यवस्था किया। और आप देखते हैं उसकी बाजार व्यवस्था कितनी जोरदार है, आप देखते हैं दीवाने मुस्तखराज की बात करता है, दीवाने रियासत की बात करता है, शहनाई मंडी की बात करता है, वह बरीद की बात करता है। थोड़ा सा याद रखना बेटा, बरीद का संस्थापक बलबन है, लेकिन बरीद को चुस्त दुरुस्त करने वाला यह है, डाक व्यवस्था लाने वाला गियासुद्दीन तुगलक है, डाक व्यवस्था को लाने वाला आपका मोहम्मद बिन तुगलक है। दोनों के डाक व्यवस्थाओं की वह जोरदार बात करता है, कौन, इब्न बतूता, जो मोरक्को से आया हुआ है, जो हदीस का परम ज्ञाता है। मोहम्मद बिन तुगलक खुश होकर उसे यहाँ के काजी बना दिए, लेकिन भ्रष्ट था, करप्शन करने लगा, जेल में डाल दिया, चीन भेजा राजदूत के लिए, वहीं से वह भागा कि भैया जान बच जाए यही बड़ी बात है। तो आप बरीद की बात करते हैं, आप मुनहियान की बात करते हैं, आप मुहत्सिब की बात करते हैं, आप मुतसरिफ की बात करते हैं, मुस्तौफी की बात करते हैं, मुतसर्रिफ की बात करते हैं,
मुतशर्रिफ की बात करते हैं, मुस्तौफी की बात करते हैं। तो यह चीजें आप लोग देखते हैं बेटा कि मुनहयान क्या है, मुहसिब क्या है, शहनाए मंडी क्या है, दीवाने क्या है, दीवाने रियासत क्या है। आप आइए, आप लोगों का स्वागत है। हम लोग हर चीजों पर एक बेहतर बेबाकी ढंग से बात करेंगे। जीवन के उन परम लक्ष्यों तक हम दोनों मिलकर पहुंचेंगे जो लक्ष्य हमें स्वयं बुला रहा है। आइए एलटी में हम लोग आगाज करते हैं। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।